राजधानी के आशियाना स्थित स्मृति उपवन में आयोजित लखनऊ महोत्सव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार महोत्सव परिसर को कुल 4 जोन में विभाजित किया गया है, जिससे किसी भी तरह की सूचना पर त्वरित एक्शन लिया जा सके। इसी के साथ असामाजिक तत्वों पर भी त्वरित प्रभावी कार्रवाई हो सके। इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस ने 3 दिनों के भीतर महोत्सव में कुल 100 लोगों को धारा 107.116 CRPC में पाबंद किया है। इसी के साथ पुलिस ने महोत्सव के शुरुआती 3 दिनों के भीतर कुल 22 लोगों को 151 CRPC में गिरफ्तार किया है। वहीं आपराधिक प्रवृत्ति के 4 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पूरे महोत्सव की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस की ओर से 150 से भी अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसी के साथ ड्रोन कैमरों से भी पुलिस निगरानी कर रही है। महोत्सव में शराब पीकर आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर के साथ पुलिस टीमें महोत्सव परिसर में प्रवेश द्वारों पर मौजूद हैं। जिन्होंने शराब पीकर आने वाले 40 लोगों के खिलाफ धारा 34 पुलिस एक्ट में कार्रवाई करने के साथ ही 5 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी धारा 110G की कार्रवाई की है। महोत्सव में कैसे ले पुलिस सहायता। लखनऊ महोत्सव में सुरक्षा के लिहाज से एंटी रोमियो दल छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए पूरे परिसर में भ्रमणशील है। इसके साथ ही किसी प्रकार के अपराध संबंधित सूचना अथवा पुलिस से संबंधित शिकायत की सूचना के लिए पुलिस क्राइम हेल्पलाइन नंबर 7311190101 जारी किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की महोत्सव संबंधी सूचना या जानकारी या शिकायत दी जा सकती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।